हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है चिलर ऑपरेट से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हाउ टू ऑपरेट चिलर प्लांट को ऑपरेट कैसे करते हैं, और दूसरा देख रहे हैं आप यहाँ पे प्लांट ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब की प्लांट को ऑपरेटिंग कैसे करेंगे वन बाई वन सिक्वेंस के द्वारा, ठीक है, चालू कैसे करेंगे, बंद कैसे करेंगे, उसका भी प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा, लॉग सीट क्या है, लॉग सीट हम इसको आपको लाइव वीडियो में दिखाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हमारा किसी साइड का लॉग सीट है, ये लॉग सीट को हम जूम करके नजदीक से पूरा इसका जो भी इसमें रीडिंग है वो रीडिंग बुक हम आपको दिखाएंगे। लॉग सीट उसी को बोलते हैं जिसके अंदर पूरा डिटेल्स दिया रहता है लॉग सीट में, तो हम इसको भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड चिलर, ये दोनों चिलर में हम लोग को लॉग सीट फिलअप करना पड़ता है। और बहुत सारे दोस्त लोग का एक रिक्वेस्ट ये था कि ऑपरेटर का क्या डिमांड है, कैसा है, इसमें अच्छा है नहीं है, तो सबको मैसेज में हर एक को रिप्लाई देना उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी आपके पास वक्त है, आप यंग हैं, तो आप बेहतर ये है कि चिलर ऑपरेटिंग लाइन में ना घुसे। ये ऑपरेटिंग चीज तो आपको टेक्नीशियन काम करते करते भी मालूम चल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, आपका इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप टेक्नीशियन का वर्क करना चाहें और टेक्नीशियन का ही वर्क करें, ऑपरेटिंग में लाइफ नहीं है। अभी जैसा मान लीजिए आप ऑपरेटिंग में लिख रहे हैं सक्शन प्रेशर लो, ठीक है ना, ये आपने लॉग सीट में डाल दिया, लेकिन ये सक्शन प्रेशर लो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसको कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि सक्शन प्रेशर लो हो रहा है, तो ये चीज आपको मालूम नहीं चलेगा, ये काम टेक्नीशियन का हो जाता है। तो टेक्नीशियन में आप जॉब करते हैं तो इसमें आपको अच्छा ग्रोथ है, इसमें अच्छा आप बाय पोस्ट आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग में आप वहीं पड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप टेक्नीशियन लाइन में जाएं, इसमें आप इन फ्यूचर में अपना काम भी ले सकते हैं, आपको पूरा टेक्निकल नॉलेज रहेगा तो आप हैंडल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम बेहतर यही समझते हैं कि आप टेक्नीशियन का वर्क करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जिनका लास्ट ये हो गया, उनको अब कुछ करने का एबिलिटी नहीं है, वो ऑपरेटिंग लाइन में चले जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो अभी जैसा हम जानेंगे इसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर, ये दोनों चिलर में हम लॉग सीट को फिलअप करते हैं। एयर कूल्ड चिलर में मोस्टली बहुत कम ही रीडिंग लिया जाता है, इसमें दिन भर में एक बार दो बार आप ले लिया, अगर बड़ा प्लांट लगा हुआ एयर कूल्ड का तो काफी है, उतना इश्यू नहीं है। लेकिन वाटर कूल्ड चिलर में जो है हम लोगों को हर दो घंटा में उसका रीडिंग लेना पड़ता है वाटर कूल्ड चिलर का, इसलिए क्योंकि इसमें कूलिंग टावर लगा रहता है और अपना कंडेंसर पंप है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है वो भी हम लोग को जानना पड़ता है, इसके लेकर के हमको इसका रीडिंग जो है हर दो घंटा में लेना पड़ता है। ये ज्यादा टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का सिस्टम लगाया हुआ रहता है, इसके लेकर के इसके लिए ऑपरेटर का अलग वैकेंसी भी आता है, तो वैकेंसी जब आता है तो ज्यादा मोस्टली वाटर कूल्ड चिलर के लिए ही वैकेंसी आता है, और नहीं तो बाहर में आप काम करने के लिए आएंगे तो जो टेक्नीशियन वर्क कर रहे हैं वही लोग लॉग सीट को भी फिलअप करते हैं, ऑपरेटिंग का भी काम करते हैं, टेक्नीशियन का भी काम करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट में स्पेशल ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट होता है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जानेंगे एयर कूल्ड चिलर एंड वाटर कूल्ड चिलर के बारे में, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले ये आप जान लीजिए कि एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड चिलर में डिफरेंस क्या है। एयर कूल्ड चिलर में आपको कंडेंसर फैन मिलेगा और आपका जो कंडेंसर कॉइल फिन्स वगैरह रहता है, जो सेम आप स्पीड एसी का आउटडोर देखे हैं वैसा ही रहता है, इसका थोड़ा एरिया ज्यादा रहता है, तो ये हमारा एयर कूल्ड चिलर भी हो गया। वाटर कूल्ड चिलर में आपको कूलिंग टावर आपको मिलेगा, ठीक है ना, वाटर कूल चिलर में आपको कूलिंग टावर, कंडेंसर, वाटर पंप और आपका सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर आपको मिलेगा, तो ये हमारा एयर कूल एंड वाटर कूल चिलर में डिफरेंस है, ओके। तो हम इसको दो पार्ट में वीडियो बनाएंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है एक ही पार्ट में बताने में, तो किसी एक चीज को हम अच्छा से फिर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, दो वीडियो एक साथ कनेक्ट करने के चक्कर में जो है बहुत सारा कुछ छोड़ देना पड़ता है, तो हम इसको अलग अलग करके बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम प्लांट को ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप जब सिस्टम के पास जाएंगे तो आप जाते के साथ ही आप चिलर को स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके पहले आपको कुछ वहां पे देखना पड़ता है। सबसे पहले आप देखें कि हम जो चिलर स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें पावर सप्लाई जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, मान लीजिए थ्री फेज हमारा सप्लाई उसमें मिलना चाहिए तो थ्री फेज बराबर मिल रहा है कि नहीं, 415 वोल्टेज जो हमारा 15, 12, 17 ये जो वोल्टेज है वो डिस्प्ले में शो होता है वो मिल रहा है कि नहीं वो चेक कर लें। दूसरा एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज CCH क्रैंकेस हीटर, ठीक है ना, ये क्या इसका क्या काम है कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो ऑयल रहता है ऑयल को ये हीट करता है,
गर्म करता है, ठीक है। ये ऑयल को गर्म होना बहुत जरूरी है, अगर वो ऑयल हमारा गर्म नहीं है हीट नहीं, तो हमारा पहला बात चीलर स्टार्ट भी नहीं होगा, और दूसरी बात की दूसरा कुछ भी अगर मान लीजिए स्टार्ट हो भी गया तो दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए जो हम पहले सीसीएच को चेक करेंगे, वो आप जैसे यहाँ पर आप जाएंगे तो चीलर का मान लीजिए ये फ्रंट लाइन है, तो फ्रंट लाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साइड ग्लास, साइड ग्लास में हम ऑयल का लेवल भी चेक करते हैं कि हाफ में है, फुल में है, कि 1/3 में है, जितना भी है। इसके नीचे आप क्या कहते हैं, हाथ लगा करके आप चेक कर सकते हैं कि वो हीट है कि नहीं है, ठीक है। वो चेक कर लिए, उसके बाद आपको जाना है किधर, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर को मैनुअली जाके चेक करना है कि उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई जो आप दे रहे हैं कूलिंग टावर में, वो हमारा पानी उसमें आ रहा है कि नहीं, फ्लोड वाल्व काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। वो उसमें पानी का लेवल कितना है वो चेक कर लेंगे, वो सब ओके है। उसके बाद हम एक्सपेंशन टैंक को देखेंगे, एक्सपेंशन टैंक में पानी है कि नहीं है उसको भी हम चेक कर लेंगे, उसमें भी सब कुछ ओके है। उसके बाद आप जितना भी अपना बल्ब लगे हुए हैं, पंप का, अपना चिलर का इनलेट आउटलेट, कंडेंसर पंप का इनलेट आउटलेट, जो भी बल्ब है वहां पे, वो बल्ब को आप ओपन देख लें कि ओपन है कि नहीं, कि क्लोज कंडीशन में आप नहीं चला सकते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद प्लांट को, चिलर को रनिंग करने से पहले आप पहले पंप को रनिंग करें, पंप को रनिंग करके देख लें कि इसका जो प्रेशर है वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं, मतलब जितना चाहिए रनिंग प्रेशर में हमारा अपना जो भी है वाटर का प्रेशर इन आउट, वो आप चेक कर लें कि उतना प्रेशर हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद कूलिंग टावर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका फैन को जाके आप देख लें मैनुअली, वहां पे जाके आपको चेक करना होगा कि फैन हमारा रनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी का टेम्परेचर डाउन है कि नहीं है। तो एक एक करके सब चालू करके जब सब कुछ ओके है, उसके बाद आप चिलर को स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। ये हमारा हो गया प्लांट स्टार्ट करने का प्रोसीजर। अंदर आप जाएंगे चिलर के पास तो आपको सिस्टम मालूम चल जाएगा, आपको जो भी पुराना टेक्नीशियन रहेगा तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नया फर्स्ट टाइम डाल दिया छोड़ दिया आपको, जब तक उस सिस्टम के बारे में नहीं बताया। क्यों, मान लीजिए अभी यॉर्क का चिलर, तो यॉर्क का जो उसका फंक्शन है उसका थोड़ा डिफरेंस रहेगा, कैरियर का उसका थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ट्रेन का है तो थोड़ा, मतलब आपको प्रोसीजर सब रेफ्रिजरेंट साइकिल सेम ही है, लेकिन बटन जो है ना, जैसे मोबाइल आप चलाते हैं तो मोबाइल का भी हर कंपनी अपना अपना अलग अलग डिजाइन से बनाती है ना, उसी तरह से आप सिस्टम के पास जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये हमारा ऑन ऑफ स्टार्ट का बटन है, ये चीज है, चाहे उसमें डिस्प्ले में शो होगा तो आप उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हमारा सिस्टम ऑन ले लेगा। ऑन लेने के बाद हमको क्या है अभी चेक करना है, अब कंटिन्यूअसली दो दो घंटा के बाद इस चीज को हमें रीडिंग लेना पड़ता है। एचयू का भी आप जाकर के देख लें, एचयू में